आइए, तो हम क्या पढ़ रहे थे माय डियर, मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। सो वी वर डिस्कसिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। आओ, पहले बात तो बहुत सारे बच्चे अपना रोल नंबर नहीं मेंशन करके रखे हुए, तो जो जो रोल नंबर नहीं मेंशन करके रखे हो जल्दी से अपना रोल नंबर मेंशन करो, नहीं तो घर जाओगे। सब लोग अपना अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे फटाफट। क्या जैसे हैं, हेडिंग डालिए मोशन अंडर ग्रेविटी। हाँ तो घर जाओगे मतलब सो जाओगे, अब क्लास नहीं मिलेगा तुम्हें करने का। मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या कैसे पता करूं अच्छा है, अच्छा सॉरी, क्या कैसे पता करूं बोलो। एडमिशन के टाइम ही मिला हुआ है रोल नंबर आपको, रोल नंबर मिला होगा ना एडमिशन के टाइम पे। नहीं मिला तो पता करो क्या है, मेरे को नहीं पता, ऑफिस से पता करो। आओ भैया, तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी करते हुए हमने कल कुछ चीजें पढ़ा था। एक तो पढ़ा था जी, जी का वैल्यू ऑल्दो कांस्टेंट नहीं होता है बट फिर भी हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ऑफिस एफ पता करो, ऑफिस में फोन करके पता करिए है ना। कल से सबको अपना रोल नंबर चाहिएगा नहीं तो मैं एंटर नहीं करने दूंगा। सुनो ध्यान से, जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है बट फिर भी हमने, हमें जी का वैल्यू कांस्टेंट मान के चलना, और कितना मान के चलना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। कभी कभी हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है भैया। ये देखा था, अच्छा देखो जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, अर्थ पे मोशन हो रहा है, अर्थ पे एयर है कि नहीं है, अर्थ है साहब, अर्थ पे एयर है कि नहीं है, है ना। बट लेकिन एयर के कारण जो फोर्स लगने वाला है उसको हम नेग्लेक्ट करते चलेंगे, राइट। एयर के कारण अगर कोई बॉडी ऐसे ये गिर रही है मान लो, है ना, तो एयर ड्रैग लगेगा ना, हम उस एयर ड्रैग को क्या मानेंगे, जीरो। तो एक अजम्पशन है हमारा, तो व्हाट इज अजम्पशन, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो हम अज्यूम करके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि एयर ड्रैग लो तब लेना पड़ेगा आपको, लेकिन इफ नथिंग इज सेड तो आपको क्या मान के चलना है कि देयर इज नो एयर ड्रैग, ठीक है। अजम्पशन यही है कि एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल। मतलब एयर का कोई इफेक्ट नहीं है मोशन पर। आवाज धीमा आ रहा है, सबको ठीक आ रहा है आवाज? सौरभ तुमको बाहर कर दूंगा मैं, ये हर बार रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल क्या कर रहे हो तुम? बाहर जाना है क्या तुम लोग को? अजम्पशन है एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल, ओके, सबसे पहला अजम्पशन है हमारी, तो एयर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ओके। अब देखो तो कैसे ये रिक्वेस्टिंग कैसे आ रहा है, रिमोट कंट्रोल का रिक्वेस्ट। अब ध्यान से सुनो, अब कुछ कुछ केसेस लेके करेंगे, केस वन है, दब रहा होगा तुम्हारा, तुमसे दब जा रहा होगा। मैं पहले वार्निंग देता हूं, अगर नहीं सुधरोगे तब फिर गुस्सा हो जाता है। केस वन क्या, सुनो ध्यान से बेटा, लेट्स सपोज ग्राउंड है ऐसे, ये हमारी धरती माँ, ठीक है, और हमारे पास एक बॉल है, ये एक बॉल है ना,
और इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया? रिलीज्ड। रिलीज का मतलब छोड़ दिया गया है ना, बॉल को यहां से छोड़ दिया गया एच हाइट से। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए तुमसे, तुम्हारे एंड से हो रहा है तो तुम ही जिम्मेवार हो ना। मान लो इसको एच हाइट से छोड़ दिया, कितने हाइट से? एच हाइट से। क्या होगा? रिलीज कर दिया हमने बस बॉल को, ऐसे ले जाके ऊपर में छोड़ दिया, बॉल वहीं रहेगा कि गिरेगा? बॉल वहीं रहेगा कि गिर जाएगा? बॉल नीचे आएगा ना, बॉल नीचे आएगा ना भाई, गिरेगा 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 गिरेगा। बहुत बड़ी, अभी रिलीज किया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हाउ मच इज इनिशियल वेलोसिटी हियर? इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो। वेरी गुड, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन कितना है? छोड़ दिया हमने, एक्सेलरेशन कितना है? हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक्सेलरेशन कितना है? जी। किधर? ऊपर नीचे? जी किधर? नीचे, डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, इसी कारण गिरा ये, क्योंकि हमने वेलोसिटी तो दिया नहीं था, तो एक्सेलरेशन इसको मिला, तो ये धीरे 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 गिरने लगा। अच्छा गिरेगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? फटाफट आंसर करते जाना है, इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी जब जब नीचे आएगा तो? हैं, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ में आया। और यहाँ पे गिरेगा, आपको बताना है कितने समय में ये ग्राउंड पे गिरेगा, कितने समय में ये ग्राउंड पे गिरेगा। मान लो समय शून्य पे हमने इसको छोड़ा, मान लो समय टी पे आया, तो आपको बताना है कि टी बताना है कितने समय बाद ये ग्राउंड पे गिरेगा। बोलो भैया कितने समय बाद ये ग्राउंड पे आ जाएगा? ग्राउंड पे आने में कितना समय? कितना कितना कितना, क्या क्या पता है आपको? क्या जब नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ पता है। क्या एक्सेलरेशन पता है? हाँ पता है। इनिशियल वेलोसिटी पता है। क्या चाहिए? समय चाहिए। कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट सेकंड थर्ड। कौन सा मोशन इक्वेशन? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड मोशन इक्वेशन। वेरी गुड, तो सेकंड मोशन इक्वेशन कहता है कि एस वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अच्छा टेल मी व्हाट इज एस वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो हम ऐसा करते हैं नीचे कोई पॉजिटिव मान लेते हैं, जो कुछ नीचे की तरफ होगा सब पॉजिटिव, जो ऊपर होगा नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो प्लस एच है, यू इज जीरो प्लस हाफ ए इज डाउनवर्ड जी, तो जी लिख दिया इंटू टी स्क्वायर। तो फ्रॉम हेयर यू विल सी टी विल कम आउट टू बी कितना आएगा? टू एच बाई जी रूट ओवर, अंडर रूट टू एच बाई जी रूट ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया। चलो अब मेरे को बताओ कितना वेलोसिटी के साथ ये नीचे आया? आया तो ठीक ठीक है, आया तो सही, लेकिन इसके पास कुछ तो वेलोसिटी था। टेल मी दिस वेलोसिटी, टेल मी दिस वेलोसिटी, कितना 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 कितना, कौन सा मोशन इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें वेलोसिटी चाहिए। फर्स्ट लगा दो क्योंकि टाइम पता चल गया, थर्ड भी लगा सकते हो, फर्स्ट भी लगा सकते हैं, टाइम पता है ना यार, टाइम पता है तो फर्स्ट लगा दो। v इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t लगा सकते हैं, टाइम पता है। ओके ध्यान से देखना, सवाल धीरे 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 बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा इसका। अच्छा v ही चाहिए, तो u कितना है? नीचे की तरफ जीरो, a कितना है? g है, एंड t कितना है? अंडर रूट टू एच बाई जी है। ये जी जब अंदर जाएगा तो जी स्क्वायर बन के जाएगा, और एक जी से जी चला जाएगा तो वी इक्वल टू आएगा अंडर रूट टू जी एच, अंडर रूट टू जी एच है ना, ये आया सर, क्लियर है? ये वो वेलोसिटी है जिससे बॉडी ग्राउंड से टकराएगा, दिस इज द वेलोसिटी विद विच द बॉडी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, राइट? और ये वो समय है जितना समय में बॉडी नीचे आएगा, दिस इज द टाइम जितने समय में बॉडी नीचे आएगा। हम रुक गए,
हम नहीं रुके हैं, तुम रुक गए हो, है ना। तो इस टाइम को बोलते हैं माय डियर टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट है ना। नेटवर्क इशू तुम्हारा हो रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा है। हमारा होता है तो छुट्टी हो जाएगा, तुम्हारा होगा तो तुम मैनेज करो, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आया। अरे हाँ कि ना, ये सिंपली रिलीज किया था। अगर यहाँ वेलोसिटी देते तो, यहाँ वेलोसिटी दिया होता तो क्या समय और कम लगता, ज्यादा लगता? कम लगता। तो यहाँ जो वेलोसिटी आती यही आती, इससे ज्यादा आती कम आती? ज्यादा आता है ना। चलो ये बेसिक सा सवाल, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते चलो, फटाफट लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नेक्स्ट देखो, केस टू। क्या है केस टू माय डियर, ध्यान से सुनना, करना, गड़बड़ी नहीं करना बस। ये हमारा ग्राउंड है ना, एंड वी हैव अ बॉल। ये हमारे पास एक बॉल है, बॉल ही से अच्छा समझ में आता है। इसको मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, थ्रो कर रहा हूं। अरे तुम्हारा कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता, सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ भाई, सबको दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है। तुम फिर से रिमूव करके ज्वाइन करो। एक बॉल है, इसको थ्रो कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी यू। कितनी वेलोसिटी देकर के मारिया, यू वेलोसिटी देकर के थ्रो कर दिया। क्या ये बॉल ऊपर जाएगा, हाँ कि ना? क्या ये बॉल ऊपर जाएगा? जाएगा साहब, कब तक जाएगा? जाता ही जाएगा क्या कि कभी लौटेगा? जाता ही जाएगा कि कभी लौटेगा? कभी ना कभी तो लौटेगा, है ना, लौटेगा। वेरी गुड, कभी ना कभी तो लौटेगा। तो जहां तक ये पहुंचा उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। जिस हाइट तक ये गया, इस हाइट को क्या बोलते हैं, एच मैक्स। इसको बोलते हैं साहब एच मैक्स, एच मैक्स बोलते हैं, है ना। दिस हाइट इज नोन एज एच मैक्स। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आया। अब मेरे को बताओ ये एच मैक्स कितना होगा, यू नीड टू टेल मी एच मैक्स। एच मैक्स बताना है साहब, किस हाइट पे जाके लौटेगा, करो हाइट बताना, हाइट। उस हाइट पे वेलोसिटी नहीं पूछा है हमेशा, मैंने पूछा क्या हाइट है, वो एच मैक्स ही क्या है वो ही बताओ। बोलेंगे सब लोग, अरे हो गया, शांत बैठ, एक ही चीज टप टप किया जा रहा है। बोलो बेटा बोलो, वेरी गुड सौरभ,
अब फाइन है ओके सर, एच मैक्स चाहिए, क्या होगा? पहले मेरे को चाहिए इसका एक्सलेशन किधर है, बॉडी का वेलोसिटी ऊपर, एक्सलेशन किधर, एक्सलेशन कितना है बेटा, जी किधर है, ऊपर की नीचे, जी तो हमेशा नीचे रहेगा, जाना किधर है, ऊपर, जहां पे ये जाके लौटेगा, जहां पे ये जाके लौटेगा वहां फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जहां पे जाके लौटेगा वहां फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि वहां लौटना है ना, एक मोमेंट पे लौटना है, और फाइनल वेलोसिटी हुई जीरो। तो देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, किधर की तरफ वाला, ऊपर की तरफ वाला। ऐसा करते हैं, ऊपर की तरफ वाले को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव मान लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेते हैं। ऊपर को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे को नेगेटिव लगा रहे हैं, और क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या गिवन है, देखो क्या क्या पता है, U पता है, और क्या पता है, B पता है, A पता है, और S चाहिए। तो कौन सा मोशन इक्वेशन, तीसरा वाला, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सब साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, जब भी कुछ रखो तो साइन के साथ रखो, ऐसी फालतू चीजें ना रखो। हाँ जी क्लियर है, बहुत खूब। तो वेलोसिटी इज जीरो, यू इज यू, यू का स्क्वायर प्लस टू ए इज माइनस जी, एंड एस इज एच मैक्स, यही तो चाहिए था, यही तो एस एच मैक्स है सर। तो देखो ये आ रहा है 2g into h max equals to u square, तो h max कितना आया बेटा, h max आ गया u square by 2g, जो आज तोप बने फिर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा तोप समझ लिए हैं, वो ऐसा रोने वाले हैं कि बात मत समझो, जिनको लग रहा है ये सब चीजें हमें आती है और शांत नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि चुल मची हुई है उनके अंदर, वो रोने वाले हैं बहुत जल्दी, भविष्य बता देता हूँ मैं। अच्छा मेरे को ये बात बताओ कि इसको जाने में कुछ समय भी तो लगा होगा ना यार, इसको जाने में ऊपर यहाँ तक जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना, टाइम बताइए टाइम, मान लो यहाँ टी को जीरो पे चलना शुरू किया तो यहाँ पे पहुंचा तो क्या समय हुआ, बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय वो आ चुका है आपका, ये बताओ क्या हुआ। वेरी गुड, टाइम ऑफ असेंड ना, टी ए कैसे निकालेंगे, टी ए बोलो जी, हाउ कैन वी कैलकुलेट, कौन सा इक्वेशन लगा दें, देखो बी पता है, यू पता है, जी पता है, क्यों ना हम फर्स्ट वाला लगा दें, तो फर्स्ट वाला लगा दो ना यार, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सब कुछ रख दो साइन के साथ, फटाफट फटाफट, तो वी कितना, बी जीरो, यू कितना, यू इज यू माइनस जी इंटू टी, तो यहाँ से टी ए लिखो बेटर, तो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट टी ए, एंड टी ए इक्वल्स टू यू बाई जी, यानी कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, यू बाई जी, यू बाई जी, ओके। अच्छा मेरे को बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बात समझ, अब सुनो ध्यान से सुनना, मैं थप्पड़ खा जाऊं, ये पार्टिकल अब लौटेगा भी ना, ये तो अपवर्ड जर्नी थी, ये जो कुछ किया हमने अपवर्ड जर्नी के लिए किया है ना, दिस इज अपवर्ड जर्नी, सब कुछ कर रहे थे यहाँ पर, लौटेगा कि नहीं लौटेगा पार्टिकल, ये तो ऊपर चला गया है, अब नीचे आएगा, अब जब नीचे आएगा माय डियर, तो जितना ऊपर गया उतना ही से नीचे आएगा ना, अरे हाँ कि ना, नीचे आने वाली सिचुएशन वही है कि एक पार्टिकल है जिसके पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, यू इज जीरो, और चलना कितना है, इसको चलना है एच मैक्स, जो कि आप देख चुके हो, तो आपको बताना है इसको नीचे आने में टाइम कितना लगा, इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, और किस वेलोसिटी से लौटा, है ना, वी डैश ये निकाल रहा है।
सुना आ रहा है मेरे को, कलर चेंज करूंगा। पार्टिकल यहाँ आया तो टाइम ऑफ डिसेंट बताना है आपको, और क्या बताना है, और बताना है किस वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराया, वी डैश। बोलो बेटा बोलो, यानी अब करेंगे डाउनवर्ड जर्नी, यही करते हैं क्या जाता है। डाउनवर्ड जर्नी चलो भैया, पार्टिकल कहां से आया, यहां से कितना हिट नीचे गिरना है, एच मैक्स, हाउ मच इज एच मैक्स, यू स्क्वायर बाई टू जी। ए भाई साहब, एच मैक्स है कितना, यू स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू इज जीरो, नीचे गिरेगा तो एक्सलेशन तो जी ही आएगा ना। देखो इसके पहले वाले सिचुएशन में, इसके पहले वाले जो सिचुएशन लिया था उसमें यही सिचुएशन था, सिर्फ एच मैक्स के जगह एच था, याद करो एच मैक्स के जगह सिर्फ एच था। अरे हाँ ना यार, ये वाला एच मैक्स के जगह सिर्फ एच था, है कि नहीं। बस तो जहां जहां एच दिख रहा है ना वहां वहां रख दो एच मैक्स, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो वहां पे हमने निकाला था टाइम ऑफ डिसेंट निकाला था, याद है टाइम ऑफ डिसेंट कितना था, जल्दी बोलो, अंडर रूट टू एच बाई जी आया था। एच कितना है यहाँ पे, एच मैक्स इज यू स्क्वायर बाई टू जी, रख दो टू इंटू यू स्क्वायर बाई टू जी डिवाइडेड बाई जी अंडर रूट। देखो कुछ कुछ चीजें कैंसिल होगी, अपने आप आंसर आएगा, सही से रखो। 2 बाई जी तो है ही, और h की जगह रख देंगे यूएस पर बाई टू जी। क्या कैंसिल हुआ, कुछ हुआ, 2 ने 2 को मार दिया, हुआ तो देखो टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर अंडर रूट कितना आया बेटा, यू बाई जी। आहा ये अच्छा रिजल्ट है, तो टाइम ऑफ डिसेंट आ गया यू बाई जी, मतलब हमने टाइम ऑफ असेंट भी देखा था वो भी 2 बाई जी आया था, याद है आपको, टाइम ऑफ असेंट भी यू बाई जी आया था, देखो एंड टाइम ऑफ डिसेंट भी यू बाई जी। इसका मतलब जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय उसको आने में लगेगा, जितना समय उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही समय उसको आने में लगा, क्या बोलते हो, जितना देर में गया क्या उतना ही देर में आया, हाँ जी उतना ही देर में आया। अच्छा जो फाइनल वेलोसिटी वी डैश है वो कितनी आती थी, अंडर रूट टू जी एच, याद है अभी हमने प्रूफ किया था, वो आती है अंडर रूट टू जी एच। इसका मतलब क्या, एच के जगह यू स्क्वायर बाई टू जी रखो, तो टू जी इंटू यू स्क्वायर बाई टू जी, कुछ तो कैंसिल होने वाला है, क्या कैंसिल होने वाला है बेटा, क्या जी ने जी को मार दिया, टू ने टू को मार दिया, तो यू स्क्वायर अंडर रूट क्या है, बोल लो यू स्क्वायर का अंडर रूट यू, अरे अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, इसका मतलब u आ गया, यानी v डैश इक्वल्स टू u। इसका क्या मतलब, कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था क्या उसी वेलोसिटी से वापस आया, आपने u से फेंका था u से ही वापस आया, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। देखो मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, ऐसे फालतू काम नहीं कर रहा। समझ में आया, तो हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा, राइट, और जितना वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे उतना ही वेलोसिटी से वापस आएगा, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करेंगे ना सेम वेलोसिटी से वापस आएगा, माय डियर सेम वेलोसिटी से वापस आएगा, क्या बोलते हो, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे सेम वेलोसिटी से वापस आए, नहीं आया
देख लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई सा भी डाउट आप पूछ सकते हो बेटा। अच्छा थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, इस चीज को समझते हैं। डन, सबने लिख लिया? नहीं लिखा हो तो लिख लो पहले, जल्दी जल्दी। तो टोटल टाइम कितना लगा ऊपर जाने और नीचे आने में? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरे देर हवा में रहने का समय, उड़ने का समय। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, TA+TD। टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा बेटा? 2U/G, 2U/G। बहुत बढ़िया। यू भाई जी, बहुत टाइम ऑफ लाइट आ गया 2U/G। ओके, ये सब बातें ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और बात समझो, जल्दी जल्दी करो। देखिए मान लो एक बॉल है ना, आपने इसको उछाला, ये गया एक मैक्सिमम हाइट के बाद वापस आया। समझने वाली बात है, आता सेम ही लाइन पे, मैं अलग अलग लाइन पे दिखा रहा हूँ। ऐसा थोड़ा है ना कि अलग लाइन पे आएगा, है ना, मैं बस अलग लाइन दिखा रहा हूं। ये जाने का लाइन जैसे मैंने दिखाया ना, जाने का लाइन और आने का लाइन अलग है, ऐसा नहीं होता है। जिस लाइन पे गया है क्या उसी लाइन पे वापस आएगा? जिस लाइन पे गया है उसी लाइन पे वापस आएगा, राइट? जिस लाइन पे गया है उसी लाइन पे वापस आएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि जाने का और आने का अलग लाइन हो गया, और इसको जैसे फेंकेंगे उसी लाइन पे वापस आएगा ना, है ना। वेरी गुड। लेकिन मैंने अपने सहूलियत के लिए ऐसा दिखाया, आप समझो इस बात को, थोड़ा एनालिसिस चलेगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपने यू वेलोसिटी हो गया था, ये भैया सुनो तो काके सुनो, यहाँ पे आपने कितने वेलोसिटी से थ्रो किया माय डियर? यू से मान लो, जल्दी जल्दी सुनो। यू से थ्रो किया, यू बेटर, यू नॉट बोलता हूँ मैं, यू नॉट। टी इक्वल टू 0 पे आपने थ्रो किया यू नॉट से। ये भाई साहब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हुई, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हुई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 0। कितने समय बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद? U0/G टाइम बाद, अरे टाइम ऑफ एसेंट के बाद, दैट इज U0/G, है ना। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे आई पार्टिकल, सेम पार्टिकल आई यहाँ पे, कितने वेलोसिटी से वापस आई? यू नॉट से ही आई। कितने समय बाद आई, कितने समय बाद आई? U0/G, 2U0/G। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया। ये तो बेसिक चर्चा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो हम कहीं पे कट करते हैं, ऐसे किसी बीच में रोक दे बॉल को। देखो ए सुनो, यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी टी टाइम पे, किसी जनरल टाइम पे, मान लो यहाँ पे बॉडी के पास वेलोसिटी थी यू, कितनी थी यू या वी, जो भी मानना मान लो वी, वी तो यहाँ लिख दिया, U1 लिख दो। तो आप देखोगे ना जब वो वापस उसी हाइट पे आएगी ना जब लौटते टाइम, तो इसके पास भी वेलोसिटी वही रहेगी U1। क्यों ऐसा साहब, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ए सुनना भैया,
ऐसा इसलिए, किस लिए ऐसा इसलिए कि अगर तुम यही ग्राउंड मान लेते यही ग्राउंड है, नीचे है ही नहीं कुछ, नीचे वाले को भूल जाओ, कैसे भूलू सर, नहीं भूला जा रहा, मैं भूल के दिखाता हूँ, नीचे कुछ है ही नहीं, भूलो जल्दी, ऐसा नीचे कुछ है ही नहीं। तो जब यहाँ U1 से थ्रो करोगे तो यहाँ U1 से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी सेक्शन पे भी, किसी सेक्शन पे भी, किसी 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 मतलब कहीं पे भी जहां मन करे तुम्हारी। मान लो मैं यहाँ कट करूँ, यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे जो जाते समय वेलोसिटी है, मान लो जाते समय वेलोसिटी U2 है, तो यहाँ पे आते समय भी कितनी वेलोसिटी होगी, U2 होगी। यानी सेम हाइट पे जितना वेलोसिटी जाते टाइम है उतना ही वेलोसिटी आते टाइम है, नहीं आया। अरे भैया बोल दो, सेम हाइट पे जितना वेलोसिटी जाते टाइम है, मतलब अपवर्ड वेलोसिटी है उतना ही डाउनवर्ड वेलोसिटी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है ना, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन उल्टा है भाई साहब, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है ना। सो एट द सेम हाइट अपवर्ड वेलोसिटी एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्या बात समझ में आया? आया आया आया। अरे बोलो, बोलो जी, चलो दो चीजें मिटाते हैं और कुछ कुछ बातें समझते हैं। क्या जी, अरे मिट जाओ, छोटा अब एक बात समझो, इधर सुनो, इधर 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 अभी खत्म नहीं था कहानी भी चालू हुआ है। मेरे को बताइए, अगर यहाँ पे वेलोसिटी U1 है तो यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगा, ये बताओ, ये टाइम हैटैक से बताना है, बिना मोशन इक्वेशन यूज किए ओरली बताना है, ओरली कैसे बताना है, ओरली बिना कलम पेन उठाए वो बता देना है, यहाँ टाइम बताते ना, यहाँ पे जब जा रहा था तो कितना टाइम हुआ, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ T1 कितना था जाते टाइम, U1/G नहीं है, मार खा जाओगे तो रोते रोते घर जाओगे, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, U0/G होगा तो पक्का गधा है। अरे साहब, यहां से यहां जाने का टाइम U0/G है, यहां से यहां जाने का, मेरे को यहां से यहां जाने का टाइम बताओ ना, यहां से यहां जाने का समय, ये टाइम बताना, ये वाला, ओरली बताना बिना कलम पेन उठाए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ में आ गया तुम्हें। अरे पूरा यहां से यहां तक समय U0/G है, यहां से यहां होगा U1/G, तो यहां से यहां कितना होगा U0 - U1/G, अरे नहीं आया जी, अरे बोलो आना 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 आना, यस वेरी गुड, अरे आया। सो बेसिकली यहाँ जो टाइम है माय डियर, यहाँ जो टाइम है दैट इज इक्वल टू U0 - U1/G, क्या जी, फिर से देख लो साहब, यहाँ से यहाँ जाने का समय कितना है, यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट तक जाने का समय कितना है U0/G, अगर मैं यही ग्राउंड मान लूं तो यहां से यहां जाने का समय कितना होगा, यहां से यहां जाने का समय कितना होगा U1/G, अरे हाँ कि ना, तो यहां से यहां आने का समय कितना होगा भाई साहब U0 - U1/G, समझ में आया दीपक। यानी कहीं से कहीं का वेलोसिटी जाते टाइम वेलोसिटी अगर निकालना है तो बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाई एक्सेलरेशन। हाँ हाँ हाँ, ये क्या कर रहे थे सर, यहाँ भी वही किया, देखो इनिशियल वेलोसिटी U0 फाइनल वेलोसिटी 0, तो समथिंग माइनस 0 इज समथिंग ना, दैट्स व्हाई U0/G। नहीं आया सर, नहीं आया, अरे बोलो,
बोलो जी बोलो, आ गया, जल्दी से बताएगा यहां से आने वाला वेलोसिटी, यहां से यहां आने वाली वेलोसिटी बताओ, यहां से यहां आने वाली वेलोसिटी बताओ, यहां से यहां आने वाली वेलोसिटी बताओ, ओरली ओरली ओरली, यहां से यहां आने वाले वेलोसिटी, ओरली 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 बताना है। हाँ वेलोसिटी नहीं, टाइम टाइम, आई एम सॉरी, टाइम टाइम टाइम, हाँ टाइम बताओ, टाइम, वेलोसिटी तो पता ही है, यहां से आने वाली टाइम, खटक बता देना है, खटक, वेरी गुड, U नॉट प्लस U1 बाई जी, है ना, क्योंकि ये समय जो यहां से जाने वाला था उतना ही तो यहां था, तो यहां तक तो U नॉट था, और जोड़ दो U1 प्लस जी, तो U नॉट बाई जी प्लस U1 प्लस जी, अरे हाँ कि ना, समझ पा रहे हो जी, बोलो भैया बोलो बोलो बोलो, कहानी क्लियर है, ठीक है, चलिए, तो ये अगर T2 टाइम मान लो तो याद रहे U0 प्लस U1 बाई G, है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अगर समझ पा रहे हो तो इससे अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़े, बोलो, अब मेरे को बताओ ये हाइट कितनी है, जल्दी से बताओ, ओरली अभी पढ़ाया हुआ है, यहां से यहां मैक्सिमम हाइट कितना आता था, मैक्सिमम हाइट कितना आता था, अभी क्या था, मैक्सिमम हाइट कितना आता था, यू स्क्वायर बाई टू जी, 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 यू नॉट स्क्वायर बाई टू जी, यू नॉट स्क्वायर बाई टू जी, यू नॉट स्क्वायर बाई टू जी, हाँ कि ना, तो ये हाइट कितना, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए ये हाइट कितना, फटाक से ओरली बताना, बिना कोई कलम कॉपी उठाए, ऐसे ही बताना है, हम काइनेमेटिक्स में तुम कलम कॉपी किताब उठाने लगे क्या फायदा, जल्दी बताओ ये हाइट, ये हाइट, गलत, हट, गलत है अभिमन्यु, गलत, आद्य, गंदी बात है, उज्जवल, गलत 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 गलत, सौम्या, अरे कोई नहीं, कर दो, कोई तो कर दो भाई साहब, अच्छा ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट तो बता सकते हो तुम, अरे ये हाइट तो बता सकते हो, ये कितनी है, U1 square by 2G, ये कितनी होगी, ये पूरा U0 square by 2G, ये U1 square by 2G, तो ये कितनी होगी, U0 square minus U1 square by 2G, U0 minus U1 का square नहीं, U0 square minus U1 square, क्या मर जाओगे तुम लोग, अरे नहीं आया, नहीं आया ना यार, लिख के बताना पड़ेगा ना मेरे को, शर्म आ गया मेरे को, सच में शर्म आ गया, ये हाइट कितनी है, U0 स्क्वायर बाई टू जी है, अब यहां से ये हाइट कितनी होगी, क्योंकि ये हाइट है साहब U1 स्क्वायर बाई टू जी, तो ये हाइट होगी U0 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर बाई टू जी, हाँ कि ना, यही तो कर रहे हैं, तो देखो पूरी एनालिसिस कर डाली हमने इसकी, पूरी पीएचडी कर डाली, आप कुछ भी नहीं पूछ सकते, आप जो भी पूछेगा आप सवाल के रूप में आएगा, आप सवाल करोगे, सवाल करेंगे देखेंगे कितना आता है कितना नहीं आता है, रिटर्न है, बेसिक बेसिक सवाल करते हैं, धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा, ओके, आओ खत्म हो गया, यही है मोशन अंडर ग्रेविटी और कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, खत्म है, सवाल करेंगे, अच्छा सवाल करने से पहले एक बात और समझो, कुछ समझते हैं, समझते हैं, आओ, ये हमारी धरती माँ है ना, एक बॉल लिया, छोड़ दिया, ड्रॉप,
ड्रॉप्ड और रिलीज, यही दो वर्ड बोलेगा। ड्रॉप्ड का मतलब ऐसे छोड़ देना, छोड़ देना बिना धक्का दिए, वो जैसे तुमको ले जाऊं छत पे छोड़ दूं, है ना, छत के फ्लोर से आगे निकाल के छोड़ दूं, ऐसे मजा आ जाए तुम, है ना, कैसा फील करोगे? धक्का नहीं दो, बस आगे ले जाके छोड़, आएगा ना मजा? क्या पार्टिकल नीचे आने लगेगा मेरी, क्या पार्टिकल नीचे आने लगेगा? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मेरे को बताओ टी टाइम में कितना नीचे आएगा? टी टाइम में कितना नीचे आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जी है, टी टाइम में, है ना, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट टी टाइम, कितना आएगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट टी टाइम, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, नीचे ही तो आएगा, तो हाफ जी टी इस पर आएगा, है कि नहीं, हाफ जी टी इस पर आएगा, बहुत बढ़िया। फिर आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड टी टाइम, ये क्या मतलब है इसका? डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड टी टाइम, इसका क्या मतलब है? कि पहले ये टी टाइम चल लिया था तो कहीं आ गया था, फिर दूसरी बार भी टी टाइम चला तो कहीं आया, ये पूछा, समझ में आ रहा है? पहले ये टी टाइम चल लिया था तो इसको S1 बोलते हैं, दूसरा बार ये चला तो S2 बोलते हैं, आपको बताना S2 टी टाइम में, है ना, टाइम इंटरवल इज गलत किया थप्पड़ खा जाओगे। कैसे निकालेंगे? मान लो यहां से यहां तक पूरा S1 प्लस S2 है ना भाई साहब, S1 प्लस S2 कितने टाइम में चला? S1 प्लस S2 कितने टाइम में चला? टी प्लस टी, टू टी में ना, T1 T2 क्या? अरे यहां से यहां चलने में भी टी टाइम लगा, यहां से यहां चलने में भी टी टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा? 2t। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं S1 प्लस S2 इक्वल्स टू हाफ जी इंटू 2t का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, देख के बताओ। S1 प्लस S2 इक्वल्स टू हाफ जी इंटू 2t का स्क्वायर, लिख सकते ना यार, इट विल कम टू बी हाउ मच? 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर आएगा और हाफ है, बेसिकली 2gt स्क्वायर आएगा। तो S2 कैसे निकालेंगे? S2 इसमें से S1 सबस्ट्रैक्ट कर दो, तो 2gt स्क्वायर माइनस S1, और S1 पहले निकाल के बैठे हुए हैं, S1 पहले ही निकाल के बैठे हुए, देखो कितना आया S1, सो 2gt स्क्वायर माइनस gt स्क्वायर बाय 2, तो इट विल कम आउट टू बी 3/2 gt स्क्वायर, है कि नहीं? यानी S2 जो आया माय डियर वो कितना आया? 3/2 gt स्क्वायर, ये दूसरा वाला टी टाइम में। अच्छा वैसे ही मैं कहानी और आगे बढ़ाऊं, आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड टी टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड टी टाइम, वैसे ही कहानी पूछो, क्या आएगा जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड टी टाइम, सोच समझ के जवाब देना, मार खा जाओगे नहीं। क्या लिखना चाहिए बोलो? थर्ड टी टाइम में कहीं तो आएगा यार, मान लो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया,
तो बोलता है S3 चाहिए मेरे को, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया वहां से लेके वहां तक, वहां से कहां तक भाई, यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3। लाइक दिस यू हैव टू डू, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। क्या लिख देता हूँ, ये वो S1 प्लस S2 प्लस S3, सो दैट इज इक्वल्स टू, कितना टाइम लेगा यहाँ से आने में पूरा, S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल्स टू हाफ जी इंटू 3t का स्क्वायर, सो इट विल कम आउट टू बी 9/2 gt स्क्वायर। ए हे हे गलत कर रहे हो मिहिर, हमें S3 चाहिए, क्या चाहिए बेटा S3, तो S3 क्या लिखोगे, 9/2 gt स्क्वायर माइनस S1 प्लस S2, और S1 प्लस S2 पहले ला चुके हैं 2 gt स्क्वायर, तो रख दो 9/2 gt स्क्वायर माइनस 2 gt स्क्वायर, सो इट विल कम आउट टू बी 5/2 gt स्क्वायर। मेरा मकसद है कुछ यहाँ पे सिखाने का, इसलिए सिखा रहा हूँ। S3 विल कम टू बी 5/2 gt स्क्वायर। रुक जाना भैया, मेरा लैपटॉप ऑफ हुआ है। होस्ट आद्या, चंदन कुमार को होस्ट बनाना आद्या, जिसमें रोल नंबर मेंशन नहीं है उसको। हाँ वेरी गुड, रुक जाओ रुक जाओ, लाइट चला जाता है ना, मैं चार्ज में लगाना भूल जाता हूँ लैपटॉप को, इसलिए दिक्कत होता है। अरे कुछ बोलो, तुम लोग को आवाज जा रहा है मेरा, ओके ओके ओके, बस 2 मिनट वेट करो, तुरंत मैं कर रहा हूँ। दिखने लगा, दिखने लगा, ओके इको कर रहा है क्या, इको हो रहा है, ईगो हो रहा है, ईगो बहुत बढ़िया, अब नहीं कर रहा। चलो तो S3 आ गया था हमारे पास, कितना आया था भैया, S3 आ गया था 5/2 gt स्क्वायर। देखो हमने क्या किया है यहां तक समझो, हमने क्या किया ना, फर्स्ट टी टाइम में निकाला, सेकंड टी टाइम में निकाला, थर्ड टी टाइम में निकाला, जो टाइम इंटरवल का गैप रखा वो सेम रखा कि अलग रखा, जो टाइम इंटरवल का गैप रखा आइडियल वो सेम रखा कि अलग रखा, सेम सेम रखा, सेम सेम, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो सब सेम आया कि अलग आया, डिस्टेंस का वर्ड जो आया आइडियल
r² 3 2 g² 5 2 g² जो डिस्प्लेसमेंट आया वो सेम आया क्या लगा आया, डिफरेंट आ गया, डिफरेंट। हालांकि हमने टाइम गैप सेम रखा था, बढ़ा कि घटा, धीरे धीरे जैसे जैसे फर्स्ट टाइम गैप से सेकंड टाइम गैप पे तो बढ़ा डिस्प्लेसमेंट की, घट गया, बढ़ गया है, यहाँ हाफ है, यहाँ 1.5 है ना, 1.5 and 2.5 है ना। आपको क्या लगता है अगर मैं कुछ S4 निकालू ऐसे ही और बढ़ेगा ना, मान लो यहाँ ग्राउंड है ही नहीं और नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड मारो गोली, क्या हो गया रे, क्यों हो गया, डिस्कनेक्ट कैसे हो गया। वीडियो का पॉज है बट क्यों है हमें भी बताओ, डिस्कनेक्ट क्यों हो गया भाई, सब कुछ तो सही है। नहीं हो रहा भाई, रुको तो, वेट वेट वेट, इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है।
क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। क्या कहाँ गए? यही कहीं नहीं गए। चलो आओ, आ गया ना, सब कुछ दिख रहा है, विजिबल है। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा था बताओ जल्दी जल्दी। मैं ये बोल रहा था बेटा कि जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल, टाइम गैप बढ़ाते जा रहे हो बेटा, बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, बढ़ रहा है कि नहीं। फर्स्ट टाइम इंटरवल में हाफ GTS पर, सेकंड में 3/2 GTS पर, थर्ड में 5/2 GTS पर, फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा तो खुद बताओ। अगर ऐसा ही कंटिन्यू करते रहे तो फोर्थ में क्या आना है, फोर्थ में क्या आएगा? अरे फोर्थ में क्या आएगा, क्या 7/2 GTS पर आएगा? अरे हाँ कि ना, तो दिखने लग गया यार कि फोर्थ में 7/2 GTS पर आएगा। और ऐसे ही आगे बढ़ूं तो फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में 9/2 GTS पर, एंड सो ऑन। तो ऐसा ही चलता जाएगा ना। इसका मतलब अगर मैं इनका रेशियो लेना चालू कर दूं, अगर मैं इनका रेशियो लेना चालू कर दूं, सी अगर मैं रेशियो लेना चालू कर दूं, S1 S2 S2 S3 S2 S4 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाए तो क्या मिलता जाएगा बोलो। पहले तो हाफ GT स्क्वायर है तो 1, दूसरा 3/2 तो 1:3, S2 5 S2 7 S2 9 एंड सो ऑन, है कि नहीं? ये मिलता है भाई साहब, हमारे पास एक अच्छा सा प्यारा सा रिजल्ट मिलता है। समझ पाए तो, समझ पाए तो याद रखना। लेकिन कब ऐसा होगा, कब ऐसा तब होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ जी तो कांस्टेंट है, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, दूसरा क्या, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तभी ऐसा होगा। कंडीशन है इसके लिए, ऐसा हमेशा होगा, जरूरी नहीं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ही हो, कभी भी होगा ऐसा। लेकिन कब होगा ऐसा? कंडीशन क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी शुड बी जीरो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो यही मिलेगा हमेशा, S1 S2 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 S3 S2 S4 एंड सो ऑन, 1:3 S2 5 S2 7 S2 9 S2 11, और ऐसा ही चलता जाएगा अनंत काल तक। समझ में आया कि बोलो। क्या दीपक, क्यों क्या, क्यों क्या पूछ रहे हो? दीपक, मिस्टेक से चला गया था सर। वाह, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अब आओ कुछ सवाल करते हैं, फालतू काम ना करें, आ जाओ, बेसिक बेसिक सवाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोला क्या, देखो सवाल, देखो, अ पार्टिकल इज, अ पार्टिकल इज थ्रोन अ पार्टिकल इज थ्रोन
with some velocity a particle is thrown with some velocity either upward or downward a particle is thrown with some velocity either upward or downward from a tower of height from a tower of height 45 meter. If it reaches to ground, in 7 seconds, find the velocity of the particle and the direction. Find the velocity of projection. And direction of projection. Karo bhai sab. Take g equals to 10. अगर बोल दिया जी 10 लेना है तो 10 लेना है, अगर बोल दे कुछ नहीं बोले तो जी को 9.8 लेना. करीम आइडिया करो और बताओ. अरे तो वेलोसिटी भी तो बताना. तो थप्पड़ खाएगा घर जाएगा तो फिर रोते हुए. कितना वेलोसिटी कितना 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 वेलोसिटी बताओ. ओह थर्टी देखेंगे 200/7 देखेंगे. एक एक वेलोसिटी एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया हाइट से. कहां से थ्रो किया? हाइट से. कितना हाइट से? कितना हाइट से थ्रो किया माय डियर? फोर्टी फाइव मीटर से, है ना. अब किधर भी थ्रो किया जा सकता है पार्टिकल को, नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता. कहाँ थ्रो किया हमें कुछ नहीं पता. नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं. लेकिन ये बॉल आया धरती पे कितने देर में आया?
ओके तो बताना ये और किधर थ्रो किया गया था। चलो मान लेते हैं नीचे थ्रो किया गया, हमें क्या पता। मान लो यू वेलोसिटी से नीचे थ्रो किया गया, कितने वेलोसिटी से, यू से। मान लीजिए किधर थ्रो किया बेटा, यू। अब इसमें एक साइन कन्वेंशन हमेशा लेना होता है। चलो हम नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले को नेगेटिव लेंगे। ओके मान लीजिए जी का वैल्यू जी है, जी इज 10, ये तो डाउनवर्ड ही है ना। देखो आपको क्या क्या पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपको यू निकालना है, एक्सेलरेशन पता है राइट, और टाइम भी पता है। कौन सा इक्वेशन लगाओगे, सेकेंड मोशन इक्वेशन है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आओ लगाते हैं, एस पॉजिटिव की निगेटिव नीचे ही है ना, बॉल नीचे ही जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे ही है तो पॉजिटिव, तो 45 क्योंकि नीचे वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं। यू हमें चाहिए, टी कितना है 7, समय कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू बोलो 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ये गया 5, तो ये आएगा 45 इक्वल्स टू 7 यू प्लस 49 इंटू 5, जल्दी बोलो 49 इंटू 5 क्या 245 होगा क्या, 245, वेरी गुड। तो 7 यू इक्वल्स टू आ गया -200, तो यू कितना आ गया बेटा -200/7। मतलब क्या बता रहा है ये नेगेटिव साइन, क्या बता रहा है कि आपने जो माना है वो गलत है, एक्चुअली में आपने इसको इधर ऊपर की तरफ थ्रो किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, किस वेलोसिटी से, 200/7 से, 200/7 से, दैट मींस आंसर 200/7 मीटर पर सेकंड। नहीं आई, बोलो आई कि नहीं आई, आया आया आया, आया। क्लियर है, इसे में क्वेश्चन लिख लो, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल फॉर कंप्लीट जर्नी, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। बताओ जी कितना डिस्टेंस कवर किया उस पार्टिकल ने, कितना डिस्टेंस कवर किया उस बेचारे ने, बोलो जी बोलो। सही से बोलना, थप्पड़ खा जाओगे। गलत है अभिमन्यु, गलत है। सब गलत, सही से करो। गलत। तुम्हारे तोते उड़ गए माइडिया, मानना पड़े तोते उड़ गए, गलत है।
गलत गलत सौरभ गलत। गलत आद्या। अरे एक भी सही आंसर नहीं आया है। किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं? अरे एक तो सही कर दो जालिमो। गलत है मनदीप, गलत दीपक, गलत सौरभ। कुड़िया आता है एक, पता है, जहर का, वो खरीदो अब भाग जाओ। देखो ये ऐसे ही बता रहा हूँ, फालतू मजाक कर रहा हूँ, खा मत जाना। गलत है उज्जवल। कोई ठीक नहीं है तुम्हारा, खा लोगे हमको केस हो जाएगा। एक तो वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है, बोलेगे मास्टर साहब नहीं सिखाया था। गलत है। अरे कोई तो बोलो, इस पार्टिकल को आपने किधर फेंका? किधर किधर किधर? अरे बोलो ना यार, किधर फेंका? किधर? अब इधर आओ, इधर आ जाओ, नहीं तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, सबका रुक जाएगा, बता रहा हूं मैं, मेरा स्टाफ लग जाएगा। किधर फेंका था पार्टिकल को? अरे किधर फेंका था? किधर 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 बोलो ना यार। अरे किधर फेंका था? अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके कितने से फेंका था? आधे गुस्से में बोल रही सर, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था। किधर? अरे गलत है। अरे काहे के लिए इतना परेशान कर रहा है तू अंकुर? हाँ जी ऊपर फेंका था ना? हाँ फेंक दिया। कितने से फेंका था? एक तो बिना पूछे फेंक दिया तुमने। कितने से फेंका? 200/7 से। ओके तो पार्टिकल ऊपर भी तो जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, जाने दो, फिर आएगा भी, आने दो, फिर नीचे भी जाएगा, है ना, तो जाने दो। ये तो हमें पता है, ये 45 था, हमें ये वाला चाहिए, ये वाला। ओहो कौन सा? ये वाला। आपको पता है जब भी किसी पार्टिकल को ग्राउंड से यू से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है? अरे ठीक है भाई, एकदम पड़ गए हो पीछे कि सर आज हम बनाई के रखेंगे, मेरा ईगो हर्ट हो गया। अरे नहीं बना तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, काहे परेशान हो? इधर देखो, एक पार्टिकल को जब वीडियो पॉज नहीं है, वीडियो बहुत क्लियर चल रहा है, हाँ ठीक है चलो, एक पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका है 200/7 से, तो ये गया है और फिर वापस आया है। चलो इधर देखने का, अब जान खा जाऊंगा मैं। एक पार्टिकल को यू से फेंकते हैं तो एचमैक्स कितना होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, एचमैक्स कितना होता है? एचमैक्स होता है यू स्क्वायर बाई टू जी। तो यू स्क्वायर बाई टू जी यहाँ गया और फिर यू स्क्वायर बाई टू जी आया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ, तो अगर टोटल डिस्टेंस देखोगे तो ये आएगा यू स्क्वायर बाई टू जी इंटू टू प्लस 45। है कि नहीं? आंसर है यही, आंसर है यू स्क्वायर बाई टू जी इंटू टू प्लस 45। पता हम यू कितना है? 200/7, इसका स्क्वायर करो इंटू 1/2g इंटू टू प्लस 45 करो। अब इसमें जो आंसर आ जाए आपका, 2 ने 2 को मार दिया, तो 200/7 करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 40,000, है ना, डिवाइड बाई 49, जी को 10 रख दो प्लस 45 कर दो। अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा कितना आंसर होगा, ये खुद तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो 4000 डिवाइडेड बाई 49 प्लस 45, अब देख लो कितना आ रहा है, देखो रे। मार खाने वाला काम कर दिया तुमने सर, इस क्वेश्चन का आंसर तुमने नहीं दिया था, समझ रहे हो तुम? देख लो तुम्हारे सामने करूं मैं, कितना है 4000 डिवाइडेड बाई 49,
कितना आया 81.63 मान लो प्लस 45 ये जो आया वही आंसर है 126.63 अरे आया दैट मच मीटर एंड दैट इज द आंसर। That is the answer. नहीं आया भैया, आ गया ना? चलो तो नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्लास लेना है। पढ़ के आना सब कुछ, सारा थ्योरी मतलब जितना भी फॉर्मूला अभी तक पढ़ाया है वो सब याद होना चाहिए। अभी तो याद करा दिया है, इन कुछ दिनों में भूल जाओगे उसको, तो एक बार घर पे पढ़ लेना जरूर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सुनो, अभी जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे ना, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे क्या होगा, बहुत ज्यादा कलेक्शन होता जाएगा मटेरियल का। आपको लग रहा है ना ये 8, 9, 7, 8, 9, 10 नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैं पहले बता रहा हूँ सुन लो ध्यान से, इतने सारे इतना बड़ा सिलेबस है ना कि तुम्हारा दिमाग हैंग कर जाएगा सच में। इतना इम्पोर्टेंट बात बोला मैंने, आवाज ही चला गया, लो जाओ डूब मत। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पर, नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब मन नहीं है मेरा, अब कभी और बोलेंगे उस बात पर। ओके चलो, सो थैंक यू वेरी मच। Thank you.